चार विधानसभा की सीटें कुरुक्षेत्र की हैं, थानेसर, पेवा, लाडवा और शाहबाद। जी, चार विधानसभा की सीटें इसके अंदर कैथल जिले की हैं। जी, कैथल, कलायत, पुंडरी और गोला। जी, और एक विधानसभा इसके अंदर यमुनानगर की है, रादौर। जी, विधानसभा स्तर पर सिलसिलेवार बात करें जी, तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र लोकसभा की थानेसर विधानसभा सीट, क्या मान के चले विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन की छाया रहेगी? बिल्कुल रहेगी, लोकसभा चुनाव में भी रहेगी। रही है और उसका प्रभाव है। और मनदीप सिंह चट्ठा बता रहे हैं सुरजेवाला जी, और कह रहे हैं कि ये चुनाव जीत सकते हैं, ग्रीन सिग्नल इनके लिए भी। तीसरी विधानसभा है लाडवा, नायब सिंह सैनी, नया मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, चुनाव लड़ रहे हैं लाडवा से। चलो धामी साहब का तो है, पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड का चुनाव उनके नेतृत्व में हुआ, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी, पर पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, 1987 में। नायब सिंह सैनी के लिए क्या कहना चाहते हैं? रामकरण काला के सामने सुभाष कलसाना, क्या लगता है चुनाव? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहा है, अगर माने तो आधा समय प्रचार का खत्म हो गया है और आधे से कम समय अब बाकी है। आज 26 तारीख है और 3 तारीख तक हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार होगा। आज राहुल गांधी आए थे हरियाणा में, पहली उन्होंने रैली की करनाल में और दूसरी हिसार में करने पहुंचे। हम भी आपको लगातार बता रहे हैं कि हरियाणा का चुनावी मिजाज, राजनीतिक माहौल और लोगों के दिल में क्या है, किसकी सरकार बन सकती है, किसकी सरकार जा सकती है। हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटें हैं और उन 10 लोकसभा सीटों को हमने जोन वाइज बना करके आपसे लगातार चर्चा करते हैं कि कौन सी लोकसभा की 9 सीटों पर क्या माहौल है। मैं पिछले दिनों आपसे 5 लोकसभा की चर्चा कर चुका हूँ, जिसके अंदर हिसार की चर्चा कर चुके हैं, गुरुग्राम की कर चुके हैं, इसके साथ साथ आपके साथ हम रोहतक की कर चुके हैं, हिसार की कर चुके हैं और सोनीपत की कर चुके हैं। आज आपके साथ मैं चर्चा में हूँ कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर के। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी, आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र लोकसभा यानी कि कहें तो भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को गीता का संदेश जी, और मैं अगर कह दूं तो पूरे हरियाणा की राजनीति को भी एक अलग संदेश। कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव में अलायंस हुआ था और ये सीट आम आदमी पार्टी के पास थी जी, अब अलायंस कोई नहीं है। ठीक है, जो इंडिया गठबंधन था वो दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी से भी अलायंस टूट गया। सिर्फ अलायंस तो केजरीवाल से था और अब दोनों अलग अलग हैं। हाँ, इस बार CPI से है, भिवानी की एक सीट पर, एक सीट पार्लियामेंट में दी थी, एक विधानसभा। सुशील गुप्ता चुनाव हार गए थे लगभग 30,000 वोट से जी, और चुनाव जीते थे नवीन जिंदल जी। कुरुक्षेत्र लोकसभा को किस पैमाने पे आंक करके चले हरियाणा की राजनीति में, क्या इसका वजूद है? कुरुक्षेत्र देखिए, हरियाणा के ऑलमोस्ट GT रोड पे और इधर कैथल और जींद, ये उधर अम्बाला, इधर यमुनानगर के साथ सटा हुआ ये इलाका है जी, और पंजाब से भी लगता है। पंजाब का भी असर आता है यहाँ जी, क्योंकि गुलाची का पेवा, हाँ आगे फिर पंजाब चल पड़ता है, और ये जो है ना पंजाब से लगता है। और किसान आंदोलन में कुरुक्षेत्र इस बार जो किसान आंदोलन चला उसमें कुछ कुरुक्षेत्र का जो था ना, वहाँ पे विशेष गतिविधियाँ रही जी किसान आंदोलन में। पीपली में कांड हुआ, अम्बाला में हुआ, अम्बाला कुरुक्षेत्र, वहाँ पे काफ़ी वो रहा है इस कुरुक्षेत्र इलाके में। तो क्या मान के चले विधानसभा चुनाव पे किसान आंदोलन की छाया रहेगी? बिल्कुल रहेगी, लोकसभा चुनाव में भी रही थी। रही है और उसका प्रभाव है, और बिल्कुल है, उस बात को मान के चलिए ना। मैंने जिक्र ही इसलिए किया है कि किसान आंदोलन में जी काफ़ी भूमिका थी कुरुक्षेत्र के इलाके की, बहुत सक्रिय थे वो लोग, उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो किसान आंदोलन का निश्चित तौर पर पार्लियामेंट के चुनाव में भी देखने को मिला जी, और अभी विधानसभा में भी उसका असर रहेगा। अब वैसे तो आप देखिएगा, जो पंजाब के साथ साथ लगता
जो 5 सीट हमारी आई है, अंबाला, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, वो सारा सिरसा, वो जो इलाका लगता है थोड़ा पंजाब के साथ जी, उस सारे में बढ़त रही है इंडिया गठबंधन कह लीजिए या कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी वही प्रभाव तो है, उसी तरह बना हुआ है, बरकरार है। अगर आप बात करें, 3 जिले कवर करता है कुरुक्षेत्र लोकसभा जी, 4 विधानसभा की सीटें कुरुक्षेत्र की हैं, थानेसर, पेवा, लाडवा और शाहबाद जी। 4 विधानसभा की सीटें इसके अंदर कैथल जिले की हैं जी, कैथल, कलायत, पुंडरी और गोला जी, और 1 विधानसभा इसके अंदर यमुनानगर की है, रादौर जी। विधानसभा स्तर पर सिलसिलेवार बात करें जी, तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र लोकसभा की थानेसर विधानसभा सीट, अशोक अरोड़ा यहाँ पर कैंडिडेट हैं कांग्रेस के जी, इनेलो से कई बार विधायक रहे हैं, जब से कांग्रेस में आए हैं जीतने का मौका मिला नहीं जी। परिवहन मंत्री रहे, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे जी। इनके सामने हैं सुभाष सुधा जी, 2 बार के MLA हैं, आजकल शहरी निकाय मंत्री आजकल की सरकार में, वो जाते जाते सरकार बना दिया इनको, लॉलीपॉप मिल गया जी। कभी दोनों का साथ भी हुआ करता था जी, आमने सामने। क्या लगता है थानेसर के चुनाव को लेकर देखें तो क्या लगता है? अशोक अरोड़ा बहुत बड़ा नाम है जी, और जब से वो राजनीति में आए हैं उनका जो एक रुतबा है वो यूं का यूं, वो 1989 में पहला उपचुनाव जीते थे थानेसर में जी, वो इनेलो से थे, चौधरी देवीलाल की पार्टी में, और वजीर भी बने, मंत्री भी बने, और इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, लंबा समय तक रहे जी। तो उनका जो एक राजनीति में एक जो मुकाम है वो उन्होंने हासिल किया, उसको बरकरार भी रखा उन्होंने जी। बड़ा नाम है, लोगों में उसका प्रभाव भी है जी जी। तो लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं अगर उनको पार्लियामेंट का टिकट होता, अगर वो चुनाव लड़ते कांग्रेस पार्टी की तरफ से कम वो 1-1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज करते। चलो ये होता तो वो होता, वो होता तो ये होता। अब वो चुनाव चूंकि विधानसभा का है उसकी बात कर रहे हैं हम, चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ तो अशोक अरोड़ा का जो है ना वो ज्यादा, पिछला चुनाव भी अशोक अरोड़ा लगभग बहुत थोड़े वोटों से हारे थे, बहुत थोड़े अंतर से हारे थे, तो इस बार तो उनकी राह बहुत ही आसान। तो क्या समझे, अशोक अरोड़ा चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे कुरुक्षेत्र से चल के? मैं तो कहूँ वो निश्चित तौर पर। अच्छा, मतलब उसको विनिंग सीट मानते हैं? बिल्कुल, थानेसर को कांग्रेस की, कांग्रेस की सीट। ग्रीन झंडी देते, हरी झंडी चलाते गाड़ी, ग्रीन सिग्नल। तो थानेसर विधानसभा में अशोक अरोड़ा के लिए ग्रीन सिग्नल है, वो चुनाव जीत सकते हैं जी, जीत सकते हैं या आगे चल रहे हैं काफी ठीक है। अगली विधानसभा है पेवा जी, पेवा विधानसभा, पेवा के विधायक थे संदीप सिंह जी, हरियाणा की सरकार में वजीर थे, खेल मंत्री, हाँ, सेक्सुअल हरासमेंट का FIR हुई जी, केस दर्ज हुआ जी, चार्जशीट हो रहे हैं, चार्जशीट हो गई जी, पर सरकार टिकट नहीं दिया, पूरी तरह छत्र छाया बनकर लगी रही साथ में। हाँ बिल्कुल, बहुत मनोहर लाल जब तक मुख्यमंत्री रहे, खेल मंत्रालय तो ले लिया, बाकी डिपार्टमेंट मंत्री भी रहे, और विधानसभा में चीख चीख कर पुकारा, हल्ला मचा विधानसभा विपक्ष के लोगों ने, नहीं विपक्ष ने मांग जब जब भी उठाई तो खट्टर साहब ने चीख चीख कर कहा इस्तीफा नहीं लेंगे। 3 बार कहते हैं, पता नहीं 6 बार, 6 बार भी बार की बात कर रहे हो, रुके ही नहीं, हाँ। लेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे, और क्या ऐसा। अब वो नायब सिंह सैनी ने उनको वजीर भी नहीं बनाया जी, और टिकट भी नहीं मिला, तो पीछा छोड़ने का एक तरीका था। अच्छा, पेवा की एक और चीज थी सुरजेवाला साहब जी, बीजेपी ने टिकट दिया कमलजीत अजराना को जी, टिकट उनको दिया, चुनाव लड़ रहे थे, बीच में ही उनसे टिकट वापस ले लिया, या तो छोड़ गए, अब वो कहते हैं हमने वापस लिया, नहीं वापस तो उनका तो स्टेटमेंट खुद का है कि मैं वापस कर रहा हूं, रिश्तेदारों ने मेरे ऊपर प्रेशर डाला है, पर वो कहते हैं कि छोड़ दिया। अच्छा, वीडियो वायरल हो रहे थे, ये जो कमलजीत अजनाला थे इन्होंने मोदी के खिलाफ बोला हुआ था जी, बड़ा अशोभनीय और इस टाइप की टिप्पणियां कर रखी थी जी, टिकट वापस हुआ। खैर मैं एक बीच में टोक रहा हूँ जी, वो अशोभनीय टिप्पणियां जो थी वो टिकट लेने के बाद कही है या पहले? पहले पहले, तो फिर पहले की टिप्पणी के बाद फिर वो टिकट कैसे दिया? वो शायद ध्यान नहीं रहा होगा मनोहर लाल जी को, नायब सैनी को, भाई ये मोदी जी के लिए कहा है या राहुल के लिए कहा है? ये बड़ा अजीब है कि कह सकते हैं ना इस बात को? नहीं नहीं ये ऐसा नहीं कोई भी कह सकता,
फिर अगर कहा है तो उस बात को ये धुंधला देते हैं। वीडियो वायरल हुए बाद में? नहीं, वीडियो तो जो वायरल हुए तो उससे पहले भी तो उसकी बैकग्राउंड का, उस बंदे का क्या उसकी कारगुजारी है, क्या उसका बैकग्राउंड है, इन चीज़ों को तो पार्टी बहुत खंगालती है। ऐसे थोड़े ये भी किसी को भी आए और टिकट दिया, और पार्टी की कितनी चैनल से वो गुजरते हैं और तब जा कर के टिकट फाइनल होती है, ऐसे थोड़े ही है। ये बात की भी पार्टी ने उसे टिकट छीन लिया, मुझे तो ये पचती नहीं। टिकट में भी वही नीति होती है जिससे राज आ जाए। अब चूंकि उन्होंने खुद ये बयान दिया कि भी मेरे रिश्तेदारों का मुझ पे प्रेशर है, मेरे भाईचारे का मुझ पे प्रेशर है, मैं ये चुनाव नहीं लड़ना चाहता, छोड़ रहा हूं, और बीजेपी के टिकट पे नहीं लड़ना चाहता। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। एनी हाउ वापिस हो गए। मनदीप सिंह चड्ढा कैंडिडेट हैं जी कांग्रेस से, हरमिंदर सिंह चड्ढा इनके पिताजी विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, वजीर भी रहे सरकार में जी। जय भगवान शर्मा डीडी जी कभी इनेलो में हुआ करते थे, जेजेपी में भी रहे और अब कैंडिडेट हैं वो पेवा से जी बीजेपी के जी। जी एक और नाम है जी सरदार साहब का, चडूनी जी जी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या लगता है चुनाव का, क्या देख के चलें, क्या रह सकता है? देखिए वहाँ पर सरदार हरमिंदर सिंह चड्ढा का काफ़ी बड़ा नाम रहा और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं सरदार भगवंत मान, उनकी ससुराल भी है। हाँ है, उनका भी चर्चा था कि उनके ससुर हैं वो शायद चुनाव लड़े, चलता रहेगा। लेकिन जो बात है वो बड़े लंबे समय तक हरमिंदर सिंह चड्ढा वहाँ पे उन्होंने राजनीति की है और काफ़ी अच्छा उनका प्रभाव रहा है। अब ये उनके पुत्र हैं जी, कांग्रेस से वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मैंने बताया ना, वहाँ पंजाब से टच भी है, पंजाब से टच करता है ये इलाका और किसान आंदोलन का काफ़ी प्रभाव है। उन सब बातों को देख करके कांग्रेस का पलड़ा वहाँ भारी है। चड्ढा जी सीट जीत सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये डीडी जो है जय भगवान, इन्होंने पहले कोशिश की थी बीजेपी की टिकट के लिए 2019 में जी, नहीं मिला। फिर इन्होंने जेजेपी से चुनाव लड़ा, कभी ये कुरुक्षेत्र से लड़ना चाह रहे थे, लोकसभा लड़ना चाहते थे कभी कब, फिर इन्होंने इनकी चॉइस तो थी पेवा, इनको टिकट थमा दिया था थानेसर से, यानी कंट्रोवर्सी रही है। तो मतलब आप मनदीप सिंह चड्ढा को हम आगे मान के चले जी, चुनाव जीत सकते हैं? हाँ, पेवा में मनदीप सिंह चड्ढा की कंडीशन स्ट्रांग है और ये आगे हैं चड्ढा, चड्ढा है वो, चड्ढा पंजाबी में चड्ढा होते हैं उसे, नहीं ये चड्ढा है, चड्ढा ये जट सिख है जो उनमें चड्ढा होते हैं, मनदीप सिंह चड्ढा है पंजाबी, पंजाबी चड्ढा होते हैं ये जट सिख। मनदीप सिंह चड्ढा बता रहे हैं सुरजेवाला जी और कह रहे हैं कि ये चुनाव जीत सकते हैं, ग्रीन सिग्नल इनके लिए भी। तीसरी विधानसभा है लाडवा जी, नायब सिंह सैनी नया मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार जी चुनाव लड़ रहे हैं लाडवा से जी। नायब सिंह सैनी ने एक भी टर्म अपनी जितने भी चुनाव आज तक उनके हुए कोई पूरी नहीं हुई विधानसभा क्षेत्र का, बदलते रहे। देखो नारायणगढ़ से 2014 में MLA बने जी पहली बार जी, 19 तक की टर्म थी, 19 में टिकट मिल गया लोकसभा का, तो विधानसभा की टर्म पूरी हुई नहीं, छोड़ी और सांसद बन गए, बन गए 2019 से लोकसभा सांसद बने, टर्म पूरी हुई थी 2024 में, 24 में सांसद थे बन गए, टिकट मिल गया मुख्यमंत्री बन गए, उपचुनाव लड़ना पड़ा, छोड़ना पड़ा, 5 साल पूरे नहीं हुए। करनाल से चुनाव लड़ा विधायक का जी, टर्म पूरी यहाँ तो होनी नहीं थी जी, 4-5 महीने रह रहे थे बिल्कुल, विधायक बन गए, 5 साल ना सांसद में पूरे हुए, ना नारायणगढ़ पूरे हुए, ना करनाल पूरे हुए। क्या कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे? ये तो हो गया पूरा जो होना था ये तो इनको 57 दिन कह रहे हैं, मेरे 57 दिन, 56 दिन, 57 नहीं नहीं इनका एक वो बड़ा है 56 इंच का, 56 दिन देखिए 56 जो भी है, कह रहे हैं कि वो जो 56 दिन का राज है हुड्डा के 10.5 साल राज पर भारी है। ओह क्या बात है, काश की ऐसा हो। मेवा सिंह इनके सामने हैं जी, MLA हैं आजकल जी, क्या समझें लाडवा के लिए? लाडवा का चुनाव बड़ा जो है ना बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। OBC वोटर काफ़ी हैं वहाँ पर? हाँ है, सैनी समाज के मतदाता भी बहुत हैं जी,
ओबीसी तभी वो यही देखकर यही सोचकर वो करनाल से वहाँ शिफ्ट इसलिए हुए हैं। नहीं, नायब शिफ्ट नहीं हुए, इनको तो शिफ्ट कर दिया मोहनलाल बड़ौली ने और भाजपा संगठन ने, ये तो करनाल लड़ना चाह रहे थे। नहीं, कुछ ऐसा था कि भी वहाँ से पता नहीं जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, वो नायब चाहते थे, नायब चाहते थे करनाल लड़वाएं, मुझे मंथन चलता रहा और उसके तहत फिर ये करनाल से वहाँ शिफ्ट हुए। एनी हाउ जो भी हुआ चलिए, अब है वहाँ पे जो खबरें आ रही हैं वो इतना आसान नहीं है मुख्यमंत्री के लिए। ऐसा तो फिर भी इनका ही है। हाँ, ऐसा तो भाई मुख्यमंत्री हैं और अभी लोग खुलकर भी सामने नहीं आते। लाडवा में पवन सैनी चुनाव हारे थे पिछली बार बीजेपी से। जी, बीजेपी कैंडिडेट थे, वो चुनाव हार गए थे यहाँ से लाडवा से ही, और अब पवन सैनी को भेजा है नारायणगढ़। जी, तो लाडवा के लिए क्या मान के चले, नायब सिंह सैनी और मेवा सिंह के बीच में अगर चुनाव है तो? देखिए, मेवा सिंह पहले जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। जी, कभी इनेलो में भी थे, विधायक भी हैं, विधायक हैं और इसी निवर्तमान विधायक पिछले उसमें, तो वो ग्रास रूट लेवल पे है मेवा सिंह का प्रभाव। और दूसरी तरफ ये मुख्यमंत्री हैं, इनके पास एक ही है क्योंकि मुख्यमंत्री का ओहदा है। एक तरफ है ग्रास रूट लेवल का जो है नेता, दूसरी तरफ है जिसके पास एक रुतबा है मुख्यमंत्री का। ठीक बात है। तो उस नाते नायब सिंह सैनी को ऐसे ऐज तो है, लोग खुलकर भी सामने नहीं आते। और मुख्यमंत्री हैं तो चुनाव ज्यादातर जीत भी जाते हैं, बड़े चेहरों को लोग जिता के। देखिए, यूं तो प्रधानमंत्री भी इस देश में हारे हैं, इंदिरा जी भी मुख्यमंत्री अनाउंस कैंडिडेट है। हाँ, मुख्यमंत्री होते हुए आ रहे थे टीएनसी यूपी में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे और 6 महीने में चुनाव लड़ना होता है और विधायक बनना होता है, उसी में हार गए थे वो। मतलब उपचुनाव भी हार गए थे? हाँ, उपचुनाव मुख्यमंत्री रहते हुए। यस, टीएन सिंह। चलो, धामी साहब का तो है, पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड का चुनाव उनके नेतृत्व में हुआ, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी, पर पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे। बंसीलाल जी भी हार गए थे 1987 में। नायब सिंह सैनी के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? ये उठापटक हो सकती है, ये नहीं है कि भी मुख्यमंत्री है तो वो चुनाव जीत ही जाएंगे। बढ़त दे रहे हैं उनको? बढ़त आज के दिन मान सकते हैं, बाकी इतना आसान चुनाव नहीं है वहाँ। ग्रीन सिग्नल दें या येलो? मैं तो येलो ही कहूँगा, जैसे खबरें आ रही हैं कि उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, हो सकता है वो चुनाव जीत जाए, मतलब येलो से ग्रीन पे पहुँच सकते हैं। हाँ, पहुँच सकते हैं, बट बैक गियर के चांस कम है। श्योर कि वो सीट निकल ही रही है या निकाल देंगे। नायब सिंह सैनी को मैं तो ग्रीन सिग्नल देना चाहूंगा, लेकिन सुरजेवाला जी कह रहे हैं येलो, तो येलो से ग्रीन देखते हैं, ग्रीन होगा या रेड होगा वो तो समय है, अभी समय बताएगा। जी, तो नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए येलो सिग्नल। जी, अगली सीट है शाहबाद। अभी पीछे चेन्नई जो थे पंजाब में, वो 2 सीट से लड़ते, 1 सीट लूज कर गए थे। हाँ, तो मुख्यमंत्री का हारना कोई, दोनों सीट हारे थे चन्नी, दोनों हारे थे, दोनों हार गए थे विधानसभा की चन्नी, दोनों हारे थे सुरजेवाला जी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल लिख के दे के आए थे चन्नी दोनों हारेंगे, और केजरीवाल के लिखा वो पूरा हो गया था। ठीक है, तो चलिए नायब सिंह सैनी के लिए हरियाणा में तो एक कहावत हो रही है कि नायब सैनी जो है ना वो हरियाणा के चन्नी होंगे। अब आप चलिए आगे देखेंगे, हम तो येलो देख रहे हैं, आप येलो दे रहे हैं, मैं ग्रीन दे रहा हूँ। ठीक है, शाहबाद जी, रामकरण काला जी, जेजेपी के एमएलए थे जी, जननायक जनता पार्टी से कांग्रेस में आ गए जी, बीच में चर्चा होती थी इनकी बीजेपी में जाने की जी, बीजेपी में गए नहीं और आ गए कांग्रेस में। जो बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते थे जी शाहबाद के लिए, जिसके लिए गए थे ये कृष्ण बेदी जी, वो चले गए नरवाना। हाँ, वो छोड़ गए नरवाना से, शाहबाद से चुनाव हारे थे जी। तो अब रामकरण काला तो कांग्रेस के कैंडिडेट, और इनके सामने हैं सुभाष कलसाना, शायद उनका पूरा नाम है सुभाष कलसाना जी, रिजर्व सीट है, एससी आरक्षित। हाँ, सीट है आरक्षित। रामकरण काला के सामने सुभाष कलसाना जी, क्या लगता है चुनाव? पहली बात तो ये आती है कि वो क्यों गए होंगे यहाँ से कृष्ण बेदी। कृष्ण बेदी पिछले 5 साल से अपने आप को उस इलाके से, चूंकि वो चुनाव भी हार चुके थे और मुख्यमंत्री के वो सलाहकार वलाकार कुछ होते हाँ, एडवाइजर भी थे मुख्यमंत्री के, वो थे उनको बाका था ऑफिशियल, ओएसडी थे शायद। हाँ, ओएसडी थे और
रामकरण काला का जो है ना शाहबाद के अंदर अच्छा खासा प्रभाव है। ये भी और इनका पुत्र भी जिला परिषद के मेंबर भी रहे हैं और पिछला चुनाव भी इन्होंने बड़े उससे जीता था जी, जेजेपी से चुनाव जीता और अब भी वो बढ़त बनाए हुए हैं। बताते हैं पहले भी कांग्रेस में हुआ करते थे जी, उसके बाद जेजेपी ने टिकट चुनाव लड़ा, जा करके टिकट ली, चुनाव लड़ा जी, एमएलए बन गए चौटाला साहब से जो भी रहा दुष्यंत सिंह चौटाला से, उसके बाद सरकार जब गिरी और टाइम हुआ तो वापसी आ गए और अब कांग्रेस में टिकट इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो क्या बढ़त बनाए हुए हैं और वो सीट जो है ना बरकरार रखेंगे, मुझे ऐसा अंदाजा है। जीत सकते हैं, जीत सकते, रामकरण काला चुनाव जीत सकते हैं आप कह रहे हैं? बिल्कुल, ग्रीन सिग्नल दिया जाए या ग्रीन सिग्नल दिया जाए? रामकरण काला जो शाहबाद के विधायक हैं उनके लिए सुरजेवाला जी कह रहे हैं ग्रीन सिग्नल है, वैसे हवाएं संकेत यही दे रही हैं। अगला जिला है कैथल जी, ये हमने कुरुक्षेत्र जिले की चारों सीटें ले ली, अब कैथल जिले की चार सीटें हैं जी। लीलाराम गुर्जर यहाँ के विधायक हैं, निवर्तमान विधायक जी जी, 2014 में यहाँ से विधायक थे रणदीप सुरजेवाला जी। विधायक रहते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस नेता थे जी, एमएलए रहते हुए एमएलए का उपचुनाव लड़ने पार्टी ने उनको भेज दिया जींद जी, पंडित रामविलास कहते थे कांटा काट दिया। 2019 का चुनाव रणदीप सुरजेवाला हार गए लीलाराम गुर्जर से जी, मार्जिन तो 1200-1400 वोट का ही रहा लेकिन चुनाव हार गए जी। अब रणदीप सुरजेवाला आजकल मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा है जी, और यहाँ पर चुनाव लड़ने कैथल में आए हुए हैं आदित्य सुरजेवाला। हाँ जी, क्या माने चुनाव को? एक एक नाम और है जिसकी चर्चा जरूर करेंगे यहाँ पर, कैलाश भगत, इनेलो के कैंडिडेट हुआ करते थे जी, आजकल हैफेड के चेयरमैन हैं, आजकल भी हैं जी, सरकार के नज़दीक आ गए बीजेपी के जी जी। लोग कहते हैं कि जो कैलाश भगत का बड़ा योगदान था लीलाराम गुर्जर के एमएलए बनने में, क्या क्या आप क्या कहेंगे? देखिए कैथल पहले पार्लियामेंट सीट कैथल होती थी जी, कुरुक्षेत्र नहीं थी। हाँ हाँ, और हेडक्वार्टर कैथल था, नरवाना से लेकर यमुनानगर तक पार्लियामेंट सीट का नाम कैथल होता था कभी, लेकिन बाद में यहाँ से गुलजारी लाल नंदा जी जो सांसद बने थे, सांसद दो बार रहे, वो रेल मंत्री बने जी, तो बड़ी इम्पोर्टेंट इलाका रहा है ये उस लिहाज से। अब ये कुरुक्षेत्र सीट बनने के बाद ये चार जो सीटें हैं कैथल जिले की, अब ये कुरुक्षेत्र में है जी। यहाँ कैथल का आपने जिक्र किया, 2005 में जो शमशेर सिंह सुरजेवाला जी वहाँ से चुनाव लड़ा, दोनों पिता पुत्र एमएलए बन गए 2005 में, वो रणदीप नरवाना से, ने नरवाना से चुनाव लड़ा, वो दोनों कामयाब हुए। उसके बाद नरवाना सीट जो है वो आरक्षित हो गई और 2009 का चुनाव रणदीप सुरजेवाला ने कैथल से लड़ा, जीत गए, सीट बरकरार रखी, जीत गए और 14 में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने और उसके बाद कई महकमे और पब्लिक हेल्थ और दूसरे इंडस्ट्रीज पावर काफी सारे डिपार्टमेंट मंत्री रहे जी जी। उसके बाद 2014 में जीत गए, जीते वहाँ पर कैथल में, कभी ओम प्रभा जैन का बड़ा प्रभाव था, बहुत ऊंचा ऊंचा दर्जे की नेता थी वो, मुख्यमंत्री की दौड़ में भी थी, लेकिन 1972 में वो चुनाव हार गई थी, बहुत बड़ा नाम था उस वक्त जी, लोगों ने आरोप लगाया कि भाई सरकार ने ही उनको हरवाया है क्योंकि वो मुख्यमंत्री की दावेदार थी। तो रणदीप सुरजेवाला के बारे में जो है कैथल में जो काम वहाँ पर इनके समय में हुए, बावजूद परिस्थितियाँ क्या थी उनके विपरीत, वो आज तक भी लोग उस बात को याद करते हैं, भुला नहीं रहे जी। ये ठीक है आपने जिक्र किया कि भी वो विधायक थे तो पार्टी हाईकमान ने उनको जींद उपचुनाव आया उसमें उनको, मुझे लगता है बहुत बड़ा सेटबैक था उनका, ड्रॉबैक रहा इस वजह से लोगों को पार्टी ने उस वक्त ये समझ के कि ये चुनाव हरियाणा की राजनीति की दिशा बदल देगा, जींद का उपचुनाव बदला भी, बदला दूसरी तरफ जो हाँ, पार्टी ने सोचा जब था कैथल का, जब जींद का उपचुनाव हुआ हाँ, उससे पहले मनोहर लाल सरकार की हवा बड़ी फिजा बड़ी खराब थी हाँ, खराब जींद जीती बीजेपी और उनके फेवर में हवा उनके फेवर में गया, नो डाउट। उससे कांग्रेस पार्टी के दिमाग में ये था कि अगर जींद का उपचुनाव हम जीतते कांग्रेस जीतती है तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और कांग्रेस के लिए बहुत आसान रहा होगी। उस बात को ध्यान में रखते हुए हाईकमान ने, चूंकि उससे सुटेबल, उससे बड़ा नाम, उससे चूंकि रणदीप सुरजेवाला का गृह जिला है और
तो पार्टी हाईकमान ने यही सोच के उनको चुनाव लड़वाया था। चलिए उसमें कई बातें आ गई उस वक्त, ये कुछ था, थर्ड पोजीशन पे आ गए थे, दिग्विजय चौटाला सेकंड रहे थे शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान आता है। बिल्कुल, और उसी का प्रभाव ये रहा कि भाई कैथल के भी ये शिफ्ट कर गए, हरा दिया लोगों ने, और लोगों के दिमाग में आया कि ये हमें छोड़ के चले गए चले थे और क्यों लड़ा वहाँ से, आगे भी चले जाएंगे। कई तरह की कॉन्ट्रोवर्सी रही, उस वजह से वो चुनाव थोड़े से वोटों से लूज कर गए। आदित्य सुरजेवाला का क्या मन है? आज फिर वो लोग इस बात को एहसास किए हुए हैं, वहाँ के काम को देख के, जो काम वो छोड़ के गए 2014 में, उसके बाद उस काम की कोई संभाल नहीं हुई। वहाँ के जो निवर्तमान जो विधायक हैं लीलाराम गुर्जर, जो अब प्रत्याशी हैं, वो स्वयं खुद कहते हैं अधिकारी मेरी मानते नहीं, मेरी चलती नहीं। तो उनके समय में कोई ऐसा काम या कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो लोगों को इस बात का एहसास है। उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस सीट को निकालेगी, मतलब कैथल आदित्य जीत सकते हैं। बिल्कुल, ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, चंडीगढ़ भेज दें युवा नेता को। हाँ चलिए, तो सुरजेवाला जी ये बात तो हुई कैथल विधानसभा की, अगली विधानसभा कलायत जी, कमलेश ढांडा MLA हैं आजकल जी, JP के भाई भी हैं यहाँ से MLA रहे हैं, JP भी MLA रहे हैं। JP के भाई नहीं रहे, हार खुद, JP के भाई को टिकट मिला था, हार गए थे, धीरा विधायक नहीं रहे। अच्छा, JP खुद रहे, JP MLA रहे हैं। अब 2014 में इंडिपेंडेंट रहे थे। कमलेश ढांडा BJP से कैंडिडेट हैं और मंत्री भी थी पीछे, मंत्री भी थी, नायब सैनी सरकार ने मंत्री नहीं बनी जी। विकास सहारन है बेटे कलायत में ही JP के, जयप्रकाश कांग्रेस का टिकट है जी। रामपाल माजरा के पास टिकट है इंडियन नेशनल लोकदल का। ट्रायंगुलर फाइट माने? हाँ, कलायत में ट्रायंगुलर फाइट है। अनीता ढुल और खड़ी हुई है एक इंडिपेंडेंट। हाँ है, श्वेता ढुल का नाम भी था, वो चुनाव मैदान में उतरी नहीं, कांग्रेस के साथ है जी। लिपस्टिक पाउडर, ये घटिया का बयान, ये तो घटिया बयानबाजी है, इनका तो जिक्र ना ही हो तो लोग कहते हैं। JP का बयान ढोल के लिए नहीं था, सुरजेवाला के लिए था। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कैसे वो लिपस्टिक आदमी कभी लगाते हैं क्या? नहीं, पाउडर, पाउडर, क्रीम पाउडर का, नहीं नहीं क्रीम पाउडर, नहीं नहीं नहीं, वो तो डालने के लिए कहीं भी आ, हाँ ये हो सकता है, बात को कहीं और घुमा दो। चलिए चुनाव पे आ जाते हैं। पहली बात तो ये है कि उनके लिए था ही नहीं, तकलीफ किसको हुई? ढुल को ही ना, सॉरी श्वेता ढुल को, श्वेता ढुल, तो क्यों हुई? उन्हीं को होगी ना जिसके लिए कहा गया हो। दूसरा, चलिए रणदीप के लिए भी कहा हो तो आपके लिए कहे तो क्या ये शोभा नहीं देता? शोभा नहीं देता क्या? आदमी के लिए भी कहे तो शोभायमान बात नहीं है, मेरा पर्सनल है। बात को खत्म करें इसको जी। चलिए, कैथल जी, आदित्य सुरजेवाला, नहीं कलायत सॉरी, विकास सारन, कमलेश ढांडा, रामपाल माजरा जी, क्या माने चुनाव को? वैसे तिकोणीय मुकाबला है और ये रूरल सीट है, इसमें ज़्यादातर बड़े गांव हैं। और अभी जिक्र हुआ था कि जयप्रकाश वहाँ से 2014 में इंडिपेंडेंट निर्दलीय वो चुनाव जीते थे, सरकार के साथ रहे, फिर दोबारा कांग्रेस में आ गए, अब वो सांसद हैं हिसार से। उनका बेटा विकास वो वहाँ से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है जी। जहाँ तक कमलेश का सवाल है, उनके बारे में लोगों में यही है कि उनका कार्यकाल कोई बहुत अच्छा वो नहीं रहा। नरसिंह ढांडा शायद थे मंत्री हुआ करते, हाँ, थे, उनकी धर्मपत्नी, उनकी धर्मपत्नी है। इनके बेटे के बारे में कई तरह की बातें आती रही हैं कि भाई उनका दखल ज़्यादा रहा, एक दो कई बार ऑफिसर से उलझने का भी आया, वीडियो भी वायरल हुए आदि आदि। दूसरी तरफ जो है इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रामपाल माजरा, वो बड़ा नाम है जी। वो पहले भी विधायक रहे हैं और जी, तीन बार MLA बने, MLA रहे हैं और उनका क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है, बड़े कद के नेता हैं। हाँ, तो वो चूंकि उनका भी चुनाव में काफ़ी इस वक्त मजबूती बनाए हुए हैं इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष हैं आजकल। हाँ, तो उधर जयप्रकाश का अपना गांव जो है दुब्बल, वो इसी इलाके में आता है कलायत में, और चूंकि इनका पहले से था इसी हल्के में काम करने का, और जब ये विधायक रहे तो अच्छा खासा है जयप्रकाश का वहाँ प्रभाव जी। तो मुझे लगता है कि तिकोणीय जरूर है, कहीं फाइट कांग्रेस और इनेलो में ना हो जाए।
एज इनेलो को? नहीं, फिलहाल एज नहीं दे सकते हम। एज तो मेरे को कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर है, और एज तो शायद कांग्रेस को ही जाता नजर आ रहा है। येलो लाइट कांग्रेस को दे या रामपाल माजरा को दे? कांग्रेस। येलो लाइट दे या ग्रीन लाइट दे? मुझे तो लगता है कि वो सीट निकाल लेंगे। चलिए येलो पे देते हैं फिर तो, अगर रेंग रही है गाड़ी, क्लियर सीट नहीं है आप कह रहे हैं, मुकाबला है। मुझे लग रहा है कि वो सीट निकालेंगे जी। विकास सारण सीट निकाल, विकास सारण और रामपाल माजरा में आप सीधा मुकाबला मानते हैं, और कमलेश ढांडा इस मुकाबले को तिगोना कर रही हैं। हाँ, और विकास सारण को आप एज कह रहे हैं जी। कलायत विधानसभा सीट सुरजेवाला जी कह रहे हैं विकास सारण को एड है और एज है, और मैं कह रहा हूँ रामपाल माजरा को एज है। तो येलो लाइट देते हैं दोनों को, ठीक है। जिसकी गाड़ी अभी तो ग्रीन सिग्नल पे आएगी, पहुंच जाएगी आज 2 तारीख के बाद, एक बार 90 की 90 सीटों पर चर्चा करेंगे। लगते हुए इलाके में आज राहुल जी वहाँ थे असम में, तो कई चीजें हैं, प्रधानमंत्री भी जाएंगे, क्या होगा। 3 तारीख को जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा तो बताएंगे लोगों को, चर्चा करेंगे। करवट बैठेगा बात आज के दिन, आज के नजर आता है विकास सारण के इलाके की जो बातें हैं, जो लोगों का रुझान है वो कुछ ऐसा ही है कि विकास सारण को ऐसे, हाँ, जिस की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वक्त आएगा। अगली विधानसभा है पुंडरी जी, कलायत के बाद पुंडरी, कैथल जिले की पुंडरी विधानसभा सीट है जी। रणधीर गोलन यहाँ से इंडिपेंडेंट MLA थे जी, कांग्रेस को बाद में उन्होंने, पहले BJP के साथ रहे, बाद में उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया जी, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया जी, इंडिपेंडेंट खड़े हो गए जी। सुल्तान सिंह जडोला XML, उनको टिकट दिया कांग्रेस ने जी। अब रणधीर गोलन ने समर्थन, सुल्तान सिंह को समर्थन भी कर दिया है। भाजपा कैंडिडेट सतपाल जाबा जी, क्या मान के चल रहे, क्या हो सकता है? पुंडरी हलके का ये रहा है इतिहास, रोड मतदाता काफी है यहाँ, हाँ है, वहाँ का इतिहास ये रहा है कि वहाँ पर अधिकतर मैक्सिमम निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। एक बार वो जो ईश्वर सिंह बड़े अच्छे नेता थे, जो स्पीकर भी रहे हरियाणा, और उससे पहले विधायक थे, तो वो मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे जी, जो बंसी लाल के टाइम, शिक्षण संस्था है उसके प्रिंसिपल भी थे वो, अच्छा नाम था उनका, जो ईश्वर सिंह रोड जाति से थे। उसके बाद से तो वहाँ निर्दलीय ही चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे। अब की बार कांग्रेस का जो सुल्तान सिंह भी इंडिपेंडेंट बने थे, हाँ इंडिपेंडेंट बन के कांग्रेस, मैंने बताया ना वहाँ पे इंडिपेंडेंट ही बने, नरेंद्र शर्मा बने, रणधीर गोलन बने, जो अब की बार तो इंडिपेंडेंट कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं दिखाई दे रहे वहाँ पर, नहीं तो सुल्तान सिंह जडोला या सतपाल, सुल्तान सिंह का जो है ना ग्रीन सिग्नल, हाँ ग्रीन सिग्नल, चुनाव जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। सुल्तान सिंह जडोला पुंडरी से उनको ग्रीन सिग्नल है और कांग्रेस की ये सीट आ सकती है। वो जांबा गांव से है जी, सतपाल जांबा गांव से, जांबा। अगली विधानसभा की बात करते हैं तो भूला जी, देवेंद्र हंस यहाँ पर कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, हुड्डा साहब गए हुए थे आज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके लिए प्रचार करने जी। कुलवंत बाजीगर XML हैं, वो कैंडिडेट हैं BJP के जी, मुख्य दो ही कैंडिडेट हैं जी। क्या मान के चलें गोला में क्या हो सकता है? कुलवंत बाजीगर पहले भी विधायक रहे हैं और इनके समय में काफ़ी उस वक्त विवादास्पद रहे, विवाद रहे, और जाने क्यों पार्टी ने इनको फिर टिकट दिया है। वैसे वहाँ पे कई और भी थे, दिलूराम बाजीगर थे इंडिपेंडेंट, उन्होंने भी उनका जो नॉमिनेशन रद्द भी हो गया, और फूल सिंह खेड़ी भी थे, और कई थे वहाँ पे नेता। अल्टीमेटली चलिए अब दो के बीच है चुनाव, और ये पेवा गुला ये पंजाब से सटा, पंजाब से है, गुला में पंजाब का बहुत प्रभाव है, बिल्कुल प्रभाव है वहाँ पे, पट्टेदार और जो है पेवा और गुला, काफ़ी लोग सिख पॉपुलेशन बहुत है जी। पेवा से आगे बढ़ती है गुला, हाँ पेवा से ही इधर पड़ेगा पंजाब, पंजाब की तरफ पटियाला साइड कैथल से, सीवर गुला जी जी, चीका, तो चीका बड़ा वो है स्टेशन है, चीका मंडी है, हाँ गुला नाम है, और चीका सब डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है वो चीका, चीका है, गुला चीका कहा करते थे पहले, हाँ, इसको अलग है दोनों, अलग है दोनों, गुला छोटा है, चीका बड़ा है, और चीका में ही सभी कार्यालय है, सब डिवीजन है, लेकिन नाम गुला के नाम से, नाम गुला के नाम से, जैसे महेंद्रगढ़ जिला जी हेडक्वार्टर नारनौल है, तो ऐसे ही। तो पंजाब से सटा हुआ इलाका है और किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव है, उन सब बातों को देख के पीछे यहाँ से इंडिपेंडेंट बने थे ईश्वर से, नहीं सॉरी JJP से जी, अब वो छोड़ गए थे, अब वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे, पहले भी विधायक रहे 1977 ईश्वर सिंह, हाँ
और हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, वो बाद में राज्यसभा के भी सदस्य। हाँ, वो कांग्रेस की उनकी तैयारी थी पर टिकट नहीं मिला, तो देवेंद्र हंस को टिकट मिला, हंस चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हैं कांग्रेस इन जॉन एज, यानी कि गोला में देवेंद्र सिंह हंस चुनाव जीत सकते हैं, चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं, ग्रीन सिग्नल है उनको जी। लोकसभा की अंतिम सीट और यमुनानगर की एकमात्र सीट रादौर, बिशन सिंह सैनी MLA हैं आजकल भी, टिकट उनको पहली लिस्ट में मिल गया था, और उनके मुकाबले हैं वो एक्स MLA हैं CPS से, श्याम सिंह राणा जी। श्याम सिंह राणा को टिकट दिया बीजेपी ने, श्याम सिंह राणा को टिकट देने का करणदेव कंबोज ने बहुत विरोध किया, पार्टी भी छोड़ करके चले गए जी। नायब सिंह सैनी हाथ बढ़ाए रह गए, उन्होंने हाथ ही नहीं थामा। ठीक कह रहे हैं आप, हाथ छुड़ा करके अब कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया, बिल्कुल सही है। क्या लगता है रादौर के अंदर? श्याम सिंह राणा पहले बीजेपी में MLA बने जी, फिर छोड़ दिया, टिकट नहीं मिला 2019 में, फिर ये चले गए इनेलो में, चुनाव लड़े नहीं और यहाँ चले गए। इनेलो की सभी बैठकों में नजर आते थे, अभय सिंह के बहुत नज़दीक होते थे। हाँ, मैंने कहा ना, सभी बैठक जो भी थी उसमें ये हमेशा नजर आते और हमेशा साथ रहे। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने तो ये बीजेपी में एंट्री इनकी हुई, लोगों को ये लगता था कि वो ये चुनाव इनेलो से लड़ेंगे, तय था, और टिकट की घोषणा थी, घोषणा भी हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर इन्होंने पाला बदला और बीजेपी में जा पहुंचे, और बीजेपी ने इनको टिकट भी थमा दिया जी। कांबोज का जो जिक्र आप कर रहे हैं जी, उनको आशा थी कि भी मेरे को टिकट मिलेगा और पार्टी में काम किया था, तो वो खफा होकर के वो छोड़ गए और कांग्रेस का साथ पकड़ लिया। अब ये जो दल अदला बदली और ऐन मौके पे, इस बात का जनता में कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता, उसका उलट ही हो जाता है जी। तो इन सब बातों को देख के बिशन सिंह अपनी सीट बरकरार दोबारा जीत जाएंगे, यस, यानी कि रादौर की सीट बिशन सिंह सैनी खाते में जा सकती है, जाएगी। तो ये था कुरुक्षेत्र लोकसभा की 9 विधानसभा सीटों का आकलन, सर्वेक्षण या हमारी ओपिनियन। आपको दोहरा देता हूँ, थानेसर अशोक अरोड़ा कांग्रेस को ग्रीन सिग्नल है, पेवा मनदीप सिंह चट्ठा कांग्रेस को ग्रीन सिग्नल है, लाडवा नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बीजेपी इनको ग्रीन सिग्नल है, शाहबाद में कांग्रेस कैंडिडेट रामकरण काला को ग्रीन सिग्नल है, कैथल में आदित्य सुरजेवाला को ग्रीन सिग्नल है, कलायत में येलो सिग्नल है विकास सारण के लिए, पुंडरी में सुल्तान सिंह जडोला को ग्रीन सिग्नल है, गोला में देवेंद्र हंस को ग्रीन सिग्नल है, और रादौर में बिशन सिंह सैनी कांग्रेस को ग्रीन सिग्नल है। यानी कि अगर मैं आपको शॉर्ट में कर दूं तो 7 सीटों पर कांग्रेस की जीत यहाँ पे आसान है, कांग्रेस के लिए रिलैक्स मोड में है कांग्रेस, और 1 सीट पर येलो लाइट है, यानी कि आगे तो कांग्रेस है लेकिन रामपाल माजरा बराबर पीछा कर रहे हैं, वो है कलायत, और लाडवा की सीट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जीत सकते हैं। आप हमारी बात से कितना सहमत है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।